वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। वृषभ राशि फल फरवरी 2020। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये प्यार का महीना, फरवरी का महीना, छोटा महीना 2020 का, ये फरवरी का महीना कैसा जाएगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि, प्रचलित व प्रसिद्ध नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। आइए जानते हैं पहले ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं फरवरी मास की, उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता ही चुके हैं कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार ये राशिफल है, तो चंद्रमा आपकी वृषभ राशि में होगा और राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके वृश्चिक राशि में, लेकिन इन ग्रह स्थितियों में कुछ ग्रह अपना परिवर्तन भी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और गुरु और केतु धनु राशि में विचरण कर रहे हैं और सूर्य शनि ये दोनों ही विचरण कर रहे हैं मकर राशि में। शुक्र और बुध कुंभ राशि में रहेंगे और इनकी स्थितियां जो बदलने वाली हैं उनका परिवर्तन का योग भी आपको बताते चलें। शुक्र कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2 फरवरी से और मंगल वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे 7 फरवरी से। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 13 फरवरी से और बुध वक्री हो जाएंगे 16 फरवरी को। शुक्र मीन से मेष में 28 फरवरी को, इस महीने की लास्ट लगभग 28 फरवरी को शुक्र मीन से मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो उच्चस्थ स्थितियों में शुक्र पूरे ही महीने रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्यार का महीना कैसा बीतने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, आपको राशिफल सुनाने से पहले एक विशेष बात बता दें कि आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको याद दिला दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले राशिफल आपको देखने व सुनने को मिलते रहें। जो स्थितियां हैं उसके अनुसार आपका राशिफल क्या कहता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कहीं ना कहीं आपको देखी जा सकती हैं और खाने पीने पर ध्यान न देने से आपकी कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं। वही देखा जाए आपके गोचर की स्थितियों के अनुकूल जो स्थिति बन रही है शिक्षा की, तो शिक्षा संबंधी बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। शिक्षा में आपकी उन्नति और किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा आ जाती है तो परीक्षा में भी आपको सफलता अलग ही नज़र आएगी। आप इस महीने अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, तो अगर कोई प्रेम आपका छोड़ के जा चुका है तो ऐसी स्थितियों में मिलने के दोबारा संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आपका कहीं से भी कैसा भी कनेक्शन हो जाए अपने प्रेमी के प्रति, तो निश्चित ही यहाँ संभावनाएं बनती हैं कि आपका प्रेम वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्थितियाँ कुछ ही पल में बदल भी सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में केवल वैलेंटाइन डे स्पेशल में आपके पास में कोई आए और वो आपको मीठी बातें सुनाए तो उसके बहकावे में मत आना, हो सकता है वो आपके साथ फिर से छल और धोखा करने आया हो। ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि गोचर की स्थितियां भी यही दर्शा रही होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपके धन का लाभ लेने के लिए आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे। ऐसी स्थितियों में आपको ध्यान रखना होगा अपने, और कहीं ना कहीं चोरी होने का, आपका कोई भी कीमती सामान चोरी होने का भय आपको सताता रहेगा। जिम्मेदारियों से थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन आप जिम्मेदार इंसान बनकर उन परेशानियों से निपटते रहेंगे। वही बात करें भौतिक सुखों में बहुत ही वृद्धि होने वाली है और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के सुखों में बहुत ही उन्नति होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में आपका प्रेम मधुरता बनी रहेगी। वहीं कहीं खर्च कर सकते हैं आप अपनी दंपति के लिए, आपस में अपने प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए कोई महंगा गिफ्ट, तोहफा इत्यादि आप अपने
पत्नी को, वाइफ को दें, अथवा आप अपनी गर्लफ्रेंड इत्यादि को भी कोई महंगा गिफ्ट दे सकते हैं। और वही बात करें आपकी नौकरी संबंधी धन लाभ स्थितियों की, तो धन लाभ की संभावनाएं काफ़ी बनती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी स्थितियों में आपको प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा बीतने वाला है फरवरी का महीना आपके लिए, किसी प्रकार की कोई संभावनाएं ऐसी नहीं नज़र आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं इस महीने को, तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य देव को जल से अर्घ जरूर देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में और फरवरी के महीने में उन्नति और परीक्षाओं में सफलता, इंटरव्यू इत्यादि में धन लाभ की स्थितियां हर तरफ से बनती चली जाएं। आशा करते हैं आपको ये राशिफल बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।